सदियों से कब बदलोगे जीने की आदत है तुमको जीते कब हो हंसना हम दोनों जिस सच्ची मोहब्बत का दावा करते हैं वो नाकाबिले एतबार है इसीलिए हमें तहरीरी मुआहदों की जरूरत पेश आ रही है मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ इफ्तिखार लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हमारा रिश्ता नॉर्मल हालात में तय नहीं हुआ है अम्मी तो पहले ही नहीं मान रही थी हमारे रिश्ते के लिए आपा ने कसम दी है तो वो मानी है क्या बताऊं मामी जी जब इंसान की किस्मत खराब हो ना तो सारे काम गलत हो जाते हैं भलाई भी बुराई में बदल जाती है समझ मनिया के साथ भी झगड़ा हो गया देखो बेटा ये मौका ऐसी बात करने का तो नहीं है लेकिन समझाना मेरी जिम्मेदारी है जिंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद ना करो खास तौर से गैरों पर सोचो बेटा आखिर सुरैया बेगम इफ्तिखार से क्या बात करके गई होगी वो तो बात की बात है अम्मी पहली बात तो यह है कि सुरैया बेगम इफ्तिखार के घर गई कैसे और अगर चली गई थी तो इफ्तिखार ने उन्हें निकाला क्यों नहीं वो जाके वहां बैठी चाय पी और अपनी मर्जी से गई है वो बुरा मत मानना मुझे तो इफ्तिखार की नीयत पर शक होने लगा है उसके तो दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और है अम्मी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अब हम करें क्या हमारे केस का वकील भी वही है राजदार भी है और ऊपर से केस की पेशी भी होने वाली है तुम्हारा दिल क्या कहता है वो हमसे गद्दारी तो नहीं करेगा पता नहीं अम्मी मेरा दिल तो नहीं मानता लेकिन फिर भी सुरैया बेगम वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कुछ सोचो बेटा जल्दी फैसला करो हमें क्या करना चाहिए मामा जी तारे पुत्र क्या बात है आज तुमने अदालत नहीं करा नहीं मामा जी दिल नहीं कर रहा अरे पुत्र दिल को काबू पर रखते हैं देखना अभी तुम उस बेचारे अदनान का केस लड़ना है और उसको जीत के उस मजलूम को उसका हक दिलाना है पता नहीं मामा जी मैं वो केस लड़ता भी हूँ या नहीं ना पुत्र बुरी बात ऐसे नहीं सोचते तेरा और मरिया का रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ अब अगर इस तरह की बदगुमानी आ गई ना बीच में तो सारी उम्र का पछतावा बन जाएगी तू हिम्मत कर उनके पास जा अपनी सफाई पेश कर उनको अपनी सारी हकीकत बता वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं तेरी बात मान जाएंगे पता नहीं मामा जी हिम्मत नहीं पड़ रही देख हिम्मत कर सच्चे लोग जो होते हैं ना वो डरा नहीं करते तू एक दफा उनको सारी बात समझा तो सही फिर अगर नहीं समझेंगे तो मैं खुद तेरी सफाई पेश करूंगा और जा चाशा अपनी तैयार होके जा जा चाशा देखो इफ्तिखार बेटा तुम्हारा और हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है जो सिर्फ एतबार पर कायम था लेकिन तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाकर बहुत अजियत दी है हमें आंटी मेरी बात का यकीन करें मेरे और सुरैया बेगम के दरमियान जो भी बात हुई है वो कहीं से भी आप लोगों के खिलाफ साजिश नहीं है वो औरत मेरा जमीर खरीदने आई जरूर थी लेकिन मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया तो फिर वो आई कैसे और तुमने उसको घर में घुसने कैसे दिया इसका तो यही मतलब हुआ कि वो आइंदा भी आएगी पर हमसे सिर्फ तुम माफी मांगने आ जाओगे बस देखो मलिया मैं बहुत शर्मिंदा हूं लेकिन तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा अगर तुम मुझ पर इसी तरह से शक करोगी तो मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगा बेटा एतमाद का रिश्ता बहुत मुश्किल से कायम होता है लेकिन टूटने में वक्त नहीं लगता एक बात कहूं आंटी
और ये बात मैं बहुत नेक नियति से कह रहा हूं। मेरे दिल में आप लोगों का बहुत एहतराम है और आप लोगों के लिए बहुत हमदर्दी है, और मैं ये भी चाहता हूं कि अदनान का केस आप लोग ही जीते, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और आप लोगों के दिलों में जो शकूक और शुभात पैदा हो गए हैं, उसमें ज्यादा बेहतर यही है कि आप लोग अपने केस के लिए कोई दूसरा वकील कर लें। सारी पुत्र बात हुई? बस मामा जी, क्या बताऊं, उन लोगों का दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। ओ नहीं नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, वो तो तुझे बहुत भरोसा करते हैं। नहीं मामा जी, अब ऐसी बात नहीं है, अब बेएतमादी पैदा हो गई है, अब वो लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि जब वो मुझ पर शक करेंगे तो मैं उनका मुकदमा कैसे लड़ूंगा। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। हाँ जी, कल को कोई पुट्ठा सीधा हो गया ना तो सारा इल्जाम हमारे पुत्र पे आ जाएगा, हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा उनका। तू दो मिनट चुप नहीं रह सकती? मैं ठीक कह रही हूँ, रिश्तेदारी जड़ी है ना, अलग बात है, है? कोई नौकर नहीं है ये उनका। मामी जी, मैं उनका नौकर नहीं हूँ, लेकिन उनका वकील तो हूँ ना। रहने दे पुत्र, मेरा मुंह ना खलवा, वकील है, मुझे भी पता है कि तूने इस मुकदमे को लड़ने के लिए ना एक पैसा भी नहीं लिया होगा, और ना ही इतने अरसे में उन्होंने तुम्हें कोई टेला दिया होगा। एक तो उन्होंने मुफ्ते में तुमसे मुकदमा लड़ा रहे हैं मेरे पुत्र से, ऊपर से क्या नाम लेते हैं तुम पे शक भी करें, ये कहां का इंसाफ है, है? अच्छा, जा तू जा, 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 चल। अब क्या सोचा तुम? पता नहीं मामा जी, इन हालात में तो मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो दूसरा वकील कर लें। ना ना पुत्र, इस तरह तो सारे मामलात खराब हो जाएंगे ना, देखना शक दूरियों में, दूरियां नफरतों में बदल जाएंगी। तू अपना दिल ना मेला कर, मैं खुद ही जाकर उनसे बात कर। मम्मा क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है अब्बा से? मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तेरे प्यो को तेरी फिक्र नहीं है। इस दुनिया में उसकी अगर कोई धी है ना तो वो मलिया और पुत्र अफ्तखार। और मैं? तू? तू उसके सर का बोझ है। कोई भी नीला पीला काला बंदा नजर आया ना तो उसने उतार के फेंक देना है। मेरा दूल्हा काला पीला नीला? ऐसे नहीं बोलो ना, मेरा मियां अगर ऐसा हुआ ना तो कसम है जहर खा के ना नीली पड़ जाऊंगी मैं। तो क्या करूं मैं, कितना समझाऊं उसको, थक गई हूं मैं समझा समझा के तेरे पियो को। यहां पे मेरी बरादरी भी तो नहीं है, अगर हमारी बरादरी होती ना तो मैं उसको इकट्ठा कर लेती, अभी तो हम कल्ले ना। अम्मा कोई तो होएगा, कोई तो हमदर्द होगा, कोई तो मदद करेगा, सोचो ना कोई तो होगा। सोच लिए। क्या सोचा?
कल हम बाजार जाएंगे शॉपिंग के लिए। हाँ और अब्बास आ जाएगा हमारे? नहीं है, हम दोनों जाएंगे। पर शादी का शॉपिंग से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शन्नों का ब्याह इफ्तिखार से हो जाए। हाँ तो हो जाएगा, इसमें परेशानी की क्या बात है। जिस तरह से तुम मेरे काम आई हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं शन्नों की शादी इफ्तिखार से करा दूं, इसमें क्या बात है। किधर सवारियां सेरे सेरे? शॉपिंग करने जा रहे। शॉपिंग करने? तुम दोनों कलिया? और शहर के रस्तों का पता है? क्यों, हम कोई बच्चे? हमें साफ पता है। ना ना कल्ले ना जाओ, ठहरो मैं साथ चलता हूँ। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे साथ जाने की। आप घर में रहे, अपने पांजे के साथ दुख दर्द बांटे। हम ना शॉपिंग करेंगे, चाट खाएंगे और फिर आइसक्रीम खाएंगे, फिर क्या करेंगे? चुप हो जाओ। ए ना ऐसे ना करो, जरा ठहरो, अभी तारी के साथ निकल जाना है, वो तुम लोगों को शॉपिंग सेंटर छोड़ देगा। ये सही है। चुप कर, सही है, हमने नहीं किसी के साथ भी जाना, हम खुद जा रहे हैं। अल्लाह किधर चली गई है, क्यों चली गई है, क्या खरीदना है, क्या जगह तो यही बताई थी उसने मुझे, पर मुझे तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। कार मार्केट नजर आ रही है। तू शनु ऐसा कर, ये नंबर मिला, ये ले। दुकान वाले का नंबर है? चल, नंबर मिला, मैंने बात करनी है, दुकान वाले का नंबर है, मामा लगता है ना मेरा दुकान वाला। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम, आप ठीक है? हाय, एडी जल्दी आप मुझे भूल गई हैं। देखो, ज़कात खैरात मांगने के लिए दरवाजे पर आया जाता है घर के, फोनों पे नहीं मांगा करते। मैं कोई मंगने वाली नहीं बोल रही, मैं इफ्तिखार की मामी बोल रही हूँ। ओहो, अरे मैं पहचान ही नहीं थी, कैसी आप? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। कहाँ है, क्या हुआ? अभी बताती हूँ। ए शन्नो, इसके ऊपर नाम तो देख किसका लिखा हुआ है मार्केट के ऊपर, है? मुझे क्या पता, मुझसे बात करवाइए। हाँ ठीक है, तुम लोग वहीं खड़े रहो, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, हिलना नहीं वहां से। बंद हो गया, क्या कह रही? ड्राइवर को भेज रही है। ड्राइवर को भेज रही है? अम्मा हम तो शॉपिंग के लिए आए थे ना, मुझे कहाँ ले जा रही हो? ए मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना कर, जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ जाके ना तुझे आपे सारा कुछ पता चल जाएगा। कार जाके ना इफ्तिखार से और अब्बे से, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। देख, अगर तूने जरा सा भी कुछ बता दिया ना तो फिर तेरी इफ्तिखार से शादी नहीं होगी, ये मैं तुझे बता दू। अम्मा कसमें मैं ना किसी को भी नहीं बताऊंगी, सच में, बस ना मेरी शादी इफ्तिखार से करा दे। गड्डी भेज रही है, वो गड्डी नहीं आई अभी तक। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिल में जो शक और शुबा पैदा हो गया उसको किसी तरीके से दूर किया जाए। देखिए भाई साहब, बात सिर्फ शक की नहीं है, आंखों देखिए, आखिर सुरिया बेगम की हिम्मत कैसी हुई कि वो इफ्तिखार से मिलने उसके घर ही चली गई। अगर इफ्तिखार हमें आकर ये बात फौरन बता देता तो हमें शक नहीं होता, लेकिन लेकिन उसने खास तौर पर हमसे ये बात छुपाई। देखो जी, फिर वो कहते हैं ना कि कभी कभी बंदे की अकल पे पर्दे पड़ जाते,
उस बेचारे के साथ भी यही हुआ, पर उसकी नीयत में खोट नहीं है, वो आज भी आप लोगों का वफादार है। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन लेकिन अब जब से वो यहाँ से गया है बड़े डिप्रेशन में, आज कोर्ट भी नहीं गया। हुआ ये है कि सुरैया बेगम ने चाल चली और वो उस चाल को समझ नहीं सका। उसने सुरैया बेगम को इसलिए कार में आने की इजाजत दे दी मेरे ख्याल में कि उसका ख्याल होगा कि शायद वो अच्छे दिल के साथ इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मसले हल करने आई है और कोर्ट के दिए हुए टाइम के अंदर अंदर सुलह सफाई करना चाहती है। देखें आप लोग मेरा एतबार करें, इफ्तिखार आज भी मलिया के साथ शादी करना चाहता है। हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर इफ्तिखार से मिल लूं। नहीं, उसे फोन करो और बात करो। बेटी आज आपसे मिलना ना बड़ा जरूरी था। अगर आप ना आती तो मैं भी आपको फोन करती, आज जरूरी। आपको पता अम्मा ने आपसे झूठ बोल के आई है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। वो ना मैंने ना आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। अच्छा बता। वो ना अफ्तिखार में और मलिया में ना नातफाकी हो गई है और मलिया की माँ है ना वो अफ्तिखार पे शक कर रही है। शक करने लगी? क्या मतलब? वो अफ्तिखार के घर आ पाई थी ना तो उसने ना आपको आते जाते देख लिया है, इसलिए शक कर रही है कि आप अफ्तिखार से मिल गई हैं। ओ अच्छा, इसका मकसद है उस दिन एक तीर से दो शिकार हो गए। वेरी गुड। वो समझ रही है कि अफ्तिखार आपसे मिल गया। हाँ तो मैं तो खुद से ये चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शन्नो का भी अफ्तिखार से हो जाए। हाँ तो हो जाएगा, इसमें परेशानी की क्या बात है। जिस तरह से तुम मेरे काम आई हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं शन्नो की शादी इफ्तिखार से करा दूं, इसमें क्या बात। लेकिन यार थोड़ा जल्दी हो जाए ना तो बड़ा ही मजा आना है। लेकिन एक और बात भी है, मेरा ख्याल में कि अब मलिया की माँ जो है ना वो इफ्तिखार से ना अपना मुकदमा नहीं लड़वाएगी, किसी और वकील का बंदोबस्त करेगी वो। बतूल आज तो तुम ऐसी ऐसी खबरें सुना रही हो कि दिल चाहता है तुम्हारे वारिस सदके चली जाए। बस जी, मलिया का और इफ्तिखार का रिश्ता टूट जाए ना तो हम दोनों का काम हो जाए। उन दोनों की मोहब्बत को नफरत में तब्दील करो और फिर नफरत को दुश्मनी में कैसे तब्दील करती हूँ सब दुनिया देखेगी। हाय हाय, यहाँ गांव में जब दुश्मनी होती है तो बंदूकें चल जाती हैं तो फिर खून होते हैं। हाय अम्मा, ये तो बुरी बात होती है ना। चुप कर, पट्टर पट्टर करती रहती है। कितनी दफा कहा कि बड़ों में ना बोला कर। आपने भी तो आस्तीनों में सांप पाले हुए। शिराज, तुम फौरन से पेशतर उस शख्स को मुलाजमत से बर्खास्त कर दो, बल्कि उसके टांगे तोड़वाने का भी इंतजाम करो। नहीं नहीं, देखिए दुश्मन को मजीद दुश्मन ना बनाए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वो अब भी आप लोगों के लिए कारामत साबित हो सकता है। लेकिन लेकिन कैसे? I'm not afraid to die.